सत्रियकाल इस सोहनी दरबार सदकी तैयार हुई। इस सोहनी दरबार में आप जी की सुनहरी सोने की पालकी दी सेवा पत्रिया की शुरू हो जा रही है। आप जी के चरणा कमलों में अरदास बेनती हो रही है। दीवा पंजाब तुहाडा स्वागत है जी। मैं हाँ मोराज पट्टी। इस वे खड़े हाँ अपना डेरा बाबा नानक गुरद्वारा श्री दरबार साहब। तुहानू थोड़ी देरी जानकारी दे दिए भी पहला भी बाबा खंडूर साहब जिहड़े ने कार साहब वाले ने बाबा सेवा सिंह जी सेखवां ने जिहड़ी सी सोने की पालकी की आरंभता की सी वह हुण पालकी जिहड़ी है जी बन के तैयार हो जा रही है। अज बाबा खंडूर साहब सिंह बाबा जी ने अज जी सोने की सेवा जी अज पालकी साहब से अज आरंभ कर दी है। तो थोड़े ही दिन तक जी पालकी बन के वो तैयार हो जाएगी। तुसी मेरे सामने पिछे देख सकते हो जी गुरद्वारा श्री थड़ा साहब जी जिथे कि सोने की पालकी जी है वो इतने शोभित की जाएगी। तुहानू थोड़ी जनी जानकारी भी दे दी है जी। पहला जी पालकी साहब का जरा घेरा सी बहुत ही छोटा सी जी। संगतान मद्देनज़र रखद हाल में मद्देनज़र रखद बाबा सेवा सिंह जी ने जी पालकी जी वी तौर पर मपी अजो बन के तैयार हो चुकी हैगी है। हूँ तू दिखा दी मैं अपने कैमरामैन को कह थोड़ी हाल दे भी जरा दिखाया जाए भी हाल भी बिल्कुल बन के तैयार हो चुका वा। आउंदे कुछ दिन च मेला श्री चोला साहब तो पहला जिहड़ा वा ये हाल आ जिहड़ा कि जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होना वा ये संगतां नूं जिहड़ा समर्पित कर दिता जाएगा जी। कार सेवा दी आरंभता होई है। हाँ जी उहदे बारे कोई जानकारी दे दो। हाँ जी डेरा बनानक सच्चा स्थान बना के महाराज बाबा जितना वजी ना बारह ने पोस्ट की थी। तो पिछले काफ़ी समय कार सेवा का तो कार्य की मैं दरबार साहब की सेवा शुरू हुई और अच्छ शुरू तो ही आखिरी पड़ाते सेवा जो पारवी साहब की सुनहरी पालकी की सेवा जी संगत की मजबूरी गुरु साहब की चरण अरदास करके शुरू होगी जो कि हमें शुरू हो गया प्रकाश मान संभाल लगभग कि सोना जरा पारवी साहब तो लगभग 4 किलो सोना लगे हुई ਅਤੇ 4 ਪਲਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਗੁੰਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ਵ ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਗਸਤ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਅਗਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦਾ। 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਇਹ ਨਵਿਆਂ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਲਗਭਗ ਸੋਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਮਤਲਬ
ਆਪਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਸਦਾ ਵੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਅਤੇ ਅਠਾਰਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ? ਬਸ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੀ ਸੇਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੱਕ ਬਣਦੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੀਨ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਕਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਲਸਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰਾਜ ਭੱਟੀ ਦੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।